हेलो गाइस, वंस अगेन तो अनबॉक्सिंग हो गई है, ठीक है। ये है हमारा HP Victus लैपटॉप, डब्बा खोलना पड़ा। अभी पीछे वीडियो देखना, भी एक डाला है वीडियो, ठीक है, उसमें अनबॉक्सिंग का वीडियो है, मिस मत करना। तो डब्बे के अंदर देखते हैं क्या क्या आता है। ये आया हमारा HP Victus का बड़ा सा डब्बा, नॉर्मल सा डब्बा है, मतलब ओमिन की तरह बड़ा सा या कुछ स्टाइलिश सा डब्बा नहीं है, नॉर्मल डब्बा है, बजट गेमिंग है, बजट वाला डब्बा है। ये रहा हमारा लैपटॉप जो मैंने निकाल लिया है, और देखते डब्बे के अंदर क्या है। कागज, एकमात्र कागज नहीं है उसके तो। हाँ, आया काम की चीज। ये आया है हमारे पास बड़ा यार, मतलब मेरा एक HP पवेलियन है नोटबुक, वो बड़ा छोटा सा चार्जर है उसका। कितने वॉट का चार्जर है देखिए यार, मतलब 200 वॉट का चार्जर है ये, ठीक है, 200 वॉट का चार्जर, उसका केबल, खाली डब्बा, फेंकने नहीं है, आराम से रखना, हो सकता है चेंज करवाना पड़े। तो मतलब अब खोल रहे हैं हम हमारा लैपटॉप, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है, मतलब खुशी है मेरा, खुशी वो बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है मुझे। मतलब उठाया लैपटॉप और सच्चे में यार अच्छा खासा भारी लैपटॉप है, बट बड़ा नहीं है, मतलब जितना लगता है कि गेमिंग लैपटॉप होगा, मोटा होगा, तगड़ा होगा, पतला है, मतलब काफी पतला, काफी ज्यादा पतला है। ये रखा भैया, मतलब इतनी गर्मी में बैठ के पंखा भी नहीं चलाया था कि आपका आवाज थोड़ा आराम से आए, धीमे ढंग से आए आवाज, ठीक है। तो मतलब इसी चीज के लिए एक लाइक और शेयर कर देना अगर अच्छी लगी वीडियो। तो अब लैपटॉप तो हम खोल चुके हैं, तो अब ट्राई करते हैं इसको एक उंगली से उठाने का, देखते हैं उठता है या नहीं। और भैया वाह वाह, उठ गया, उठ गया स्क्रीन। ये आएगा कपड़ा, ये भी बकवास, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब बुरा नहीं है, लोगों को दिक्कत है ये, पास लाओ कैमरा, लेट पे दिखाओ, ये स्क्रीन वॉबल मतलब नहीं है यार, मतलब इतना प्रोमिनेंट नहीं है, वो वीडियो में दिखता ज़्यादा है, बट नॉर्मली उसमें स्क्रीन वॉबलिंग मेरे को नहीं लगता कि ये हिंजेस पे कोई इशू डालेगा, ठीक है। अभी जल्दी से देख लो, हिंजेस काफ़ी स्ट्रांगली बिल्ड किए हुए हैं, तो मेरे को नहीं लगता ये हिंजेस पे कोई असर डालेगा। देख लो क्या क्या है, मतलब HP Victus फुल साइज़ कीबोर्ड है, यहाँ पे हमारे पास एक नमपैड भी दे रखा है, यहाँ पे HP की ब्रांडिंग, व्हाट्सएप सपोर्ट, और यहाँ पे हमारे स्टिकर 144Hz, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट, राइजन 7 और NVIDIA GeForce RTX। तो गाइस अब थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जल्दी से इसको सेटअप करता हूँ और फिर बताता हूँ ये कैसा है लगता। ये खुल गया Victus भैया, देखो बूट हो गया इतनी जल्दी, खोला ही लैपटॉप और हो गया ये बूट, ठीक है। तो अब जाते हैं हम अंदर, ये खोल दिया है हमने लैपटॉप, और जादुई चीज़ टडा, बैक लाइट, लाइट ऑफ करना ज़रा, ये हमने कर दिया है लाइट ऑफ। ये है हमारी डिस्प्ले, और ये है कीबोर्ड, फुल साइज़ कीबोर्ड है, ट्रैक पैड अच्छा खासा बड़ा है, मतलब मेरा हाथ बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है मेरा हाथ, ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेथ वाइज ट्रैक पैड बहुत अच्छा है। इस बात कर लेते हैं इनपुट आउटपुट IOs की, ठीक है। तो ये है हमारा चार्जिंग के लिए, ये इंटरनेट इथरनेट कनेक्ट करने के लिए, ये HDMI, यहाँ पे एक USB A और USB C, एक हाथ से चलाने के लिए मुश्किल है, और इस साइड पे हैं दो USB है, ठीक। तो ये थे इसमें इनपुट, पीछे के साइड कोई नहीं है, लीजन की तरह कोई नहीं है, बट नहीं यार सच्ची में, मतलब बिल्ड क्वालिटी, ऊपर से स्क्रीन में फ्लेक्स नहीं है यार, मतलब ठीक है, जितना होता है HP के लैपटॉप्स में, अनबॉक्सिंग में मैंने देखा है फ्लेक्स नहीं है स्क्रीन में उतना, स्क्रीन में वॉबलिंग लगता है यार, मतलब जो कहने को है, जोर से करोगे तो हर लैपटॉप में होगी, उतनी नहीं है, उसका एवरी डैडी का पूरा ऐसे ऐसे हिल रहा था, उतनी नहीं है वॉबलिंग, नॉर्मल यूज़ में ठीक है, ऐसे उठाया ऐसे खोला खुल गया, वॉबलिंग नहीं है यार, फ्लेक्स सरप्राइजिंगली, मतलब मेरे को डरा दिया था रिव्यूज़ में एवरी डैडी ने, फ्लेक्स है अच्छा खासा है, मेरे को फ्लेक्स नहीं मिला। नाइस टच पैड, बड़ा टच पैड है, अच्छा टच पैड है, और
लो भाई खोल लिया है हमने अपना टास्क मैनेजर, तो एक बार ज़रा चेक कर लिया जाए। ठीक है, सीपीयू ठीक है, राइजन 7 5800H विजेड ऑन ग्राफिक्स। अब आते हैं मेमोरी पे। तो मेमोरी में मतलब ठीक है, थोड़ा सरप्राइज किया है मेरे को। ठीक है, उन्होंने बोला था कि 16 GB जो रैम है वो हमारी 16:1 है, मतलब सिंगल चैनल में। बट अभी मैंने लैपटॉप खोला और इसमें मेमोरी चेक कर रहा हूँ, तो मतलब स्लॉट्स मेरे दोनों के दोनों यूज़ हो रखे हैं। ठीक है, मतलब इसमें डुअल चैनल में है, तो देख लो इसको एक तरीके से, मतलब इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि डुअल चैनल में है रैम, तो मतलब परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, और नुकसान ये है कि मान लो अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है, मतलब 32 GB करना है, तो दोनों रैम के स्लॉट रैम उखाड़ के फेंकनी पड़ेंगी। और 24 GB करना है तो एक ना एक मतलब रैम का मॉड्यूल तो बेकार होना ही होना है। ठीक है, अब जाते हैं हम हमारी डिस्क। डिस्क कितना खाली है हमारे पास, ये डिस्क कौन सी है उसका मॉडल नंबर लिखा है कुछ। ठीक है, GPU में है हमारा ये NVIDIA RTX 3050 Ti। ये यूज़ नहीं हो रहा, 51 डिग्री सेल्सियस फिर भी हो रखा है इसका टेम्परेचर, कुछ नहीं यूज़ हो रहा फिर भी 51 डिग्री सेल्सियस। और इनबिल्ट GPU यूज़ हो रहा है, अभी शायद स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम स्क्रीन ब्लीड टेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? आई थिंक इस साइड पे थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग है, या बाकी जगह तो देखो इतनी होती है, FHD पैनल है इतनी ब्लीडिंग होती है, बट आई थिंक इस साइड पे थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग है। गाइस ये कर रहा हूँ मैं अभी 8 पिक्सल टेस्ट। लकीली अभी तक तो कोई 8 पिक्सल नहीं है। चलो ठीक है भैया, नहीं है 8 पिक्सल। तो गाइस अब तक आपने जैसा देखा, अभी मैंने एक साउंड टेस्ट चलाया था, तो साउंड कैसी लगी? देखो पर्सनली मेरे को थोड़ी कम लगी, या तो कानों का आदत हो गया स्पीकर लगा लगा के या ये फोन सुन सुन के, बट पर्सनली मेरे को साउंड की वॉल्यूम मतलब लाउडनेस थोड़ी कम लगी, बाकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एक चीज़ हमारे भाई बार बार पूछ रहे हैं, बता दो यार मतलब वॉबल होता या नहीं, वॉबल होता या नहीं, यार नहीं है उतनी वॉबलिंग। देख लो ऐसे ऐसे ढंग से हिला रहा हूँ मैं लैपटॉप, ढंग से हिला रहा हूँ तब देखो इतना हर कोई वॉबल करता है, कहाँ है वॉबलिंग? नहीं है यार, कुछ वॉबलिंग नहीं है। अगर शायद फॉरेन वाले वेरिएंट में है, बट इंडियन वेरिएंट में मेरे को उतनी वॉबलिंग नहीं लगी है। बंद कर दिया, एक हाथ से खोला छोड़ दिया, हल्की बहुत वॉबलिंग। ठीक है, लेके चल रहे हैं, कहाँ है वॉबलिंग? नहीं है इसमें वॉबलिंग। तो हमारे भाई लोग हमको बार बार कह रहे थे भैया वॉबलिंग का ज़रूर बताना, तो देखो हमने वॉबलिंग बता दिया। एक चीज़ जो डिफरेंट लगी ना, मतलब फॉरेन में बता रहे थे वो एवरीडे डैडी वाली वीडियो की, इस पर फिंगरप्रिंट नहीं पड़ते, यानी कैमरे में दिख नहीं रहा अभी, बट अभी तक मैंने यूज़ किया है ना, मेरे को लग रहा है हल्के हल्के निशानी रखो। देखो शायद अच्छी क्वालिटी में देखोगे तो आपको दिखेगा फिंगरप्रिंट पड़ रहे हैं, फिंगरप्रिंट पड़ रहे हैं, अलग ही मचा रखी है। फॉरेन वाले में वॉबल हो रहा है, इंडियन में ज़्यादा वॉबल नहीं हो रहा। ठीक है, वहाँ पे निशान नहीं पड़ रहे होंगे, यहाँ पे निशान पड़ रहे हैं। हेलो गाइस, अभी आप जो सामने देख रहे हो ये इसकी वेबकैम क्वालिटी है, यह बहुत बेकार है सच बताऊँ ना। मतलब मेरा जो पुराना लैपटॉप है मेरे को उससे भी बेकार लग रहा है इसका वेबकैम। अभी वेबकैम गंदा है, साफ कर लिया वेबकैम की क्वालिटी। यार थोड़ा तो ठीक करना चाहिए था, मतलब ठीक है वेबकैम है, मीटिंग दे रहे हो, बट वेबकैम की क्वालिटी अच्छी नहीं है। आवाज़ मुझे पता नहीं अभी कैसी है, आप लोग मेरे को सुन के बताना आवाज़ आप लोगों को कैसी आ रही है। ठीक है, तो गाइस अब फाइनली बारी है कि मेरा फाइनल वर्डिक्ट अबाउट HP विक्टर्स। ठीक है यार, देखो जहाँ तक मेरे को लग रहा है बिल्ड क्वालिटी का एक कंसर्न था लोगों के दिमाग में, मेरी डायरी की वीडियो देख के कि वो कह रहा था बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है। और मतलब देखा है, मतलब मैं आजू बाजू मतलब जितनी भी वीडियोज़ देख रहा हूँ मैं HP विक्टर्स की अनबॉक्सिंग के बारे में, या लोग जो अपनी पर्सनल राय दे रहे हैं कि HP ने बिल्ड क्वालिटी में कॉस्ट कटिंग करी है, तो मेरे को नहीं लगता कि HP ने बिल्ड क्वालिटी में उतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करी है। देखो बजट गेमिंग है तो थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग चलेगी, बट इतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। एक चीज़ थी वॉबलिंग का इशू, वॉबलिंग का इशू मेरे को नहीं लगा इतना प्रोमिनेंट मेरे यूजेज में। मतलब मैं खुद थोड़ा बहुत गेम नहीं खेलता, मैं बस प्रोग्रामिंग करूँगा। गेमिंग के लिए जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं अलग से 2-3 गेम्स डाउनलोड करके फिर वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि
बिल्ड क्वालिटी इज ओके, बिल्ड क्वालिटी इज ओके, बिल्ड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। स्पेक्स वाइज देखो स्क्रीन बहुत बढ़िया, मतलब मेरा पुराना लैपटॉप उसकी स्क्रीन मेरे को अच्छी नहीं लगती थी उसके कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब उसकी स्क्रीन क्वालिटी 20 है तो इसकी स्क्रीन क्वालिटी 100 है, स्क्रीन क्वालिटी बहुत अच्छी है, ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। बाकी स्पीकर क्वालिटी मेरे को हल्की सी कम लगी, तो स्पीकर क्वालिटी मेरे को लगी वो परसेंट परसेंट डिफर करेगा कि स्पीकर क्वालिटी कैसी होगी। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है क्या, मतलब एज फॉर द प्राइस की मैंने जो पे किया मेरे को लगता है कि हाँ इट्स वर्थ इट। मतलब मैंने लोगों के पास लैपटॉप देखे हैं, ठीक है, एंड इट्स वर्थ इट। मेरे को लगता है कि आपको एच पी विक्टर्स के लिए बजाना चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा डाउट है कि ये हीट तो नहीं करेगा, तो हीट के लिए जैसे फॉरेन वाले वेरियंट है उसमें 2 हीट पाइप डिज़ाइन है, और इंडियन वाले में कहा जा रहा है कि इसमें 4 हीट पाइप डिज़ाइन है। तो वो i5 के साथ किया था उसने, ये यहाँ पे राइजन 7 5800H है। तो अभी थोड़े टाइम रुक जाओ, मैं गेम डाउनलोड करूँगा, CPU GPU कितना टच कर रहा है, टेम्परेचर अंदर खोल के भी देखूँगा मैं इस लैपटॉप में कि हीट पाइप्स कितने हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जब इसको खोलूँ अंदर से और इसके बारे में आपको सारा बताऊँ, अंदर से हीट पाइप कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, और ये कितना ज़्यादा हाई जा रहा है, तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।